हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज़। ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में हरियाणा को कुछ नहीं मिला और कृषि क्षेत्र में सरकार ने कटौती की है, जिससे प्रदेश के लोगों में निराशा है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसान रास्ता खुलवा रहे हैं और सरकार गड्ढे खोदकर कीले लगवा रही है। हमारे सर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। सर, लगातार राज्यसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है, कल भी काफी हंगामा और आज तीन आम आदमी पार्टी के सदस्य को सस्पेंड कर दिया, किस तरीके से देखते हैं सर पूरी तरह? देखिए, आज राज्यसभा में जो राष्ट्रपति अभिभाषण था उस पे चर्चा से पहले मैंने दो संशोधन दिए और इन संशोधन पे कल चर्चा होगी। एक संशोधन तो जो राष्ट्रपति जी के भाषण में 24 नंबर पैराग्राफ जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये तीन कानून लागू होने से हर रोज के रोज हजारों करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार ने राष्ट्रपति जी के माध्यम से देश को इसमें सच नहीं बताया। क्योंकि पहली बात तो अगर फायदा हो रहा था तो इतनी आंदोलन किसान क्यों बैठे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको स्टे कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके कमेटी बनाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को स्टे कर दिया, सरकार राष्ट्रपति जी के माध्यम से बता रही है कि लागू हो गए और हर रोज किसान मालामाल हो रहे हैं इससे, तो या तो स्टे नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी सरकार सुप्रीम कोर्ट, और अगर स्टे हुआ है तो फिर ये बात तो ये इसलिए वैसे भी गलत है और कानूनी भी त्रुटि है। तो पहला तो ये संशोधन मैं लेके आया हूँ, कल इस पर चर्चा कराएंगे। दूसरा जो है संशोधन हम लेके आए कि जो ये कहा जो अपना कि भाई कहीं भी जिक्र नहीं है उन 170 के करीब किसानों का जिन्होंने अपनी जान कुर्बान जो कर चुके हैं पिछले तीन महीने में, जिन्होंने अपना सब कुछ नछावर कर दिया इस आंदोलन किसान के लड़ाई में, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। तो ये उनका कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में ये शामिल करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। सर, बजट की बात करें, बजट पेश हो गया, बजट को किस तरह से हरियाणा के लिए क्या क्या विकल्प की, जिस तरीके से बात करें तो काफ़ी उदासी लोगों में है, बेरोजगारी की लगातार यहाँ पर बात हो रही थी, पर कुछ भी लोगों को हरियाणा का तो जिक्र ही नहीं आया, बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो ये एक और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से मैं तो हरियाणा के लिए कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना प्रोजेक्ट देखा जो है, ना कोई ऐसी परियोजना में हरियाणा का जिक्र आया है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा सरकार अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था की भी पैरवी करने में असक्षम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और पूरी सरकार है, और इस बजट में कृषि क्षेत्र में कटौती कर दी गई, जैसे कि आपको पता है 1,54,000 करोड़ से घटाकर 1,48,000 करोड़ कटौती कर दी गई। तो आपका कृषि का गड़बड़ तो आप कम कर रहे हैं और कह रहे हैं आमदनी दुगनी करेंगे किसान की, तो आमदनी दुगनी क्या क्या फॉर्मूला है? बजट कम करने से आमदनी दुगनी कैसे होगी किसान की? ये तो सरकार को इस बारे में जो है प्रकाश डालना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद, जो कि साफ तौर पर बजट को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते हुए, वहीं किसानों के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए राजा।